उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का झांसी दौरा कल है और इस कार्यक्रम के लिए LBM यानी लक्ष्मी व्यायाम शाला स्कूल में भव्य पंडाल तैयार हो गया है। यह हम आपको पंडाल का नज़ारा दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि लोगों को बैठने के लिए कुर्सी लग गई है और यह वो मंच है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित करेंगे। सामने 1,500 से ज्यादा लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, रूट डायवर्जन भी हो गया है। आज जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और SSP भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद मीडिया से भी बात की, पूरी जानकारी दी। हम आपको इस पंडाल का बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखाने के साथ जिलाधिकारी और SSP की वाइट भी सुनाते हैं जो उन्होंने मीडिया को। देखिए, कल दिनांक 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद झांसी का भ्रमण किया जा रहा है, जिसमें प्रबुद्ध जनों को उनके द्वारा उनसे वार्ता की जाएगी, उनका संबोधन दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जनपद में 325 करोड़ से ज़्यादा धनराशि की 100 से ज़्यादा योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। तो उसके लिए जो आवश्यक तैयारियां हैं, चाहे सुरक्षा संबंधी हो, लॉजिस्टिक संबंधी हो, जो प्रबुद्ध जन आएंगे उनके बैठने और अन्य चीज़ें हैं, टॉयलेट साफ़ सफाई, पीने का पानी, सबकी लगभग व्यवस्था हो गई है, आप देख ही रहे हैं। और मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप अच्छे से शांतिपूर्वक आएँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन सुनें और फिर शांति से घर जाएं। सर, बाहर से कितना पुलिस फोर्स आ रहा है, सुरक्षा व्यवस्था के लिए? पुलिस फोर्स के बारे में देखिए, मैं इतना कहूँगा कि जो मेन जगह हैं उस पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी की ड्यूटी लग गई है, उनकी ब्रीफिंग भी हो गई है आज, हालांकि फाइनल ब्रीफिंग 9:01 बजे है, तो मुख्य अधिकारियों की लग गई है। उसके अंदर जो कर्मचारियों की या पुलिस कांस्टेबल की लगेगी, तो उसके बारे में डिटेल ब्रीफिंग आपको SSP साहब। सर, क्या टाइमिंग रही और लगभग कितनी गर्दी है, हो जाएगी? टाइमिंग 11 से 12:30 है और गैदरिंग लगभग 8 से 10 हज़ार की गैदरिंग एक्सपेक्टेड है। दिनांक 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण कार्यक्रम है जनपद झांसी में। सुरक्षा दृष्टिकोण से हम लोग हेलीपैड से लेके कार्यक्रम स्थल तक मार्ग व्यवस्था, उसके बाद जो कार्यक्रम स्थल है उसके आसपास रूफटॉप ड्यूटी, फिर वैकल्पिक मार्ग, सेफ हाउस, सेफ हॉस्पिटल, सब की ड्यूटी लग चुकी है। बाहर से लगभग 12 COs आ गए हैं, एडिशनल SPs भी हैं और मोटा मोटा लगभग 1100 के लगभग फोर्स ड्यूटी पे लग रही है। एंट्रेंस पे हमारा HHMD और DFMD के साथ सुरक्षा दृष्टिकोण से चेक करके ही भेजा जाएगा। VIP पार्किंग अलग है और जो लाभार्थी और लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, उन लोगों का बस का पार्किंग अलग अलग जगह आइडेंटिफाई किया गया है और मीडिया कर्मियों के माध्यम से शेयर भी किया गया है, जो पेपर में भी आ चुका है। और ट्रैफिक डाइवर्शन हमारा एक चैलेंज रहेगा और उसको लेके पूरा अलग से एक DSP के साथ पूरा टीम लगाई गई है। सुबह डाइवर्शन पॉइंट्स में जब एक्टिवेट हो जाएंगे, मुझे लगता नहीं कि यहाँ दिक्कत होगी। सही सकुशल संपन्न करने के लिए हम लोग तत्पर तैयार हैं।